तो आखिरकार कैसा रहा वीकेंड का वार और फरहा खान ने किस कंटेस्टेंट को दी कौन सी रैंकिंग, आपको मैं पूरी खबर की जानकारी बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइज, बेसिकली आपको बता दूँ कि वीकेंड का वार काफ़ी एंटरटेनिंग रहा, वहीं काफ़ी बोरिंग भी हो गया शो बीच बीच में। लेकिन ऐसे में आपको बता दूँ कि मेन गेस्ट की एंट्री हुई, जहाँ फरहा खान की एंट्री हुई, बप्पी लहरी की, और साथ ही साथ भुवन बम और कई ऐसे गेस्ट की एंट्री हुई, जिससे शो काफ़ी एंटरटेनिंग हुआ। ऐसे में अब आपको बता दूँ कि वेल कहीं ना कहीं कल का वीकेंड का वार आपको पता ही होगा कि जो सैटरडे को हमने वीकेंड का वार देखा था, उसमें पूरी तरीके से अफसाना खान पर ही वो पूरा का पूरा शो डेडिकेटेड था, क्योंकि अफसाना खान का माफ़ीनामा एक तरह से हमें देखने को मिला, जिसमें पूरे टाइम अफसाना खान को फटकार लगी, उसे समझाने की कोशिश की गई। और अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई अफसाना खान को समझ आया या नहीं, वाकई अफसाना खान ने वेल सलमान खान की बातों को माना या नहीं। तो आपको बता दूँ कि फिलहाल अब तक तो वो समझ गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको बता दूँ कि लड़ाई और पंगे अफसाना के हमेशा चालू रहेंगे ही रहेंगे, वो ख़त्म होने वाले नहीं है। भले ये बात अलग है कि अब अफसाना शब्दों पर कंट्रोल करके बातें करेंगी, लेकिन उनकी लड़ाई और झगड़े जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते कभी भी। वहीं बात करें अगर मायशा और अशान की, तो मायशा और अशान के जो केमिस्ट्री है ये बहुत ही शॉकिंग केमिस्ट्री है, क्योंकि पहले ही हफ्ते में जाने के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है, और प्यार के साथ साथ इन दोनों की अब नोक झोंक भी शुरू हो गए हैं, दोनों आपस में झगड़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। ऐसे में इनकी शॉकिंग थोड़ी रही है लव स्टोरी, क्योंकि पहले ही हफ्ते में प्यार हो जाना और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद भी आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ईशान और मायशा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी लव केमिस्ट्री दिखाकर ये अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि घर के अंदर अगर टास्क हुआ, और टास्क में बेसिकली किसके बैटरी सबसे ज़्यादा ड्रेन्ड हैं ये बताना था, जहाँ सब ने डोनल विश को टारगेट किया, सब ने ये बोला कि डोनल विश की बैटरी बेसिकली ड्रेन हो चुकी है फुल टू, और ऐसे में डोनल को लेकर सब ने पॉइंट आउट किया। अगर देखा जाए तो जैसे अफसाना खान लड़ती हैं, झगड़ती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, डोनल बिष्ट जो है वो उन्हीं की फोटोकॉपी है। बस फ़र्क इतना है कि डोनल चीखती चिल्लाती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रही है पूरी तरीके से। ऐसे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर सब ने इल्ज़ाम लगा दिया है साफ तौर पर डोनल बिष्ट पर, कि डोनल की जो बैटरी है वो ड्रेन आउट हो चुकी है वो पूरी तरीके से, और डोनल फाइनली ज़रूरत है उन्हें पंप अप करने की। लेकिन असलियत में देखी जाए तो आजकल जो गेम स्ट्रैटेजीज और जिसकी बैटरी ड्रेन हो गई है वो है जय भानुशाली। जय पहले बहुत स्ट्रांगली उभर कर आए थे, और अब है कि वो नीचे जा रहे हैं, काफ़ी उनकी बैटरी डाउन दिख रही है। वही आकाशा सिंह की बात करें, आकाशा सिंह गेम में दिखाई नहीं दे रही हैं। बात करें अगर सिम्बा नागपाल की, तो सिम्बा तो डे वन से ही सोते हुए आ रहे हैं और अब तक वो सो ही रहे हैं। और इसके साथ ही साथ विधि पांड्या भी आजकल वो सिर्फ खाना बना रही हैं और इन चीज़ों में ही इन्वॉल्व हो रही है, उनसे भी कुछ खास कंटेंट निकल कर नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको बता दूं कि ये कंटेस्टेंट्स एक्चुअली ड्रेन्ड आउट है, इनकी बैटरी डाउन हो चुकी है। वहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कौन हो जाएगा इन छः कंटेस्टेंट्स में से घर से बेघर, तो इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस कंटेस्टेंट को होना चाहिए था घर से बेघर वो नॉमिनेशन लिस्ट में थे ही नहीं। ऐसे में अब आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल इस हफ्ते कोई भी नॉमिनेशन के शिकार नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ हुई ज़बरदस्त फरहा खान की एंट्री। फरहा खान ने सभी कंटेस्टेंट्स को दी रैंकिंग्स, जहाँ नंबर वन पर है करण कुंद्रा, तो नंबर टू पर है तेजस्वी प्रकाश। वाकई ये दोनों ये पोजीशंस डिज़र्व करते हैं। करण बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं, करण जिस तरीके से बॉसी अंदाज में नज़र आते हैं, वाकई जिस पोजीशन पर उन्हें रखा गया वो डिज़र्व करते हैं। वहीं तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी मस्ती खोर है, उन्हें देखना काफ़ी पसंद आता है और फैंस भी उन्हें काफ़ी बेशुमार प्यार करते हैं, तो सेकेंड पोजिशन पर हैं तेजस्वी। वहीं थर्ड पोजिशन की बात करें तो थर्ड पर है विशाल कोटियान, फोर्थ पोजीशन पर है शमिता शेट्टी, फिफ्थ पोजीशन पर है प्रतीक सहजपाल, तो वहीं सिक्स्थ पोजीशन पर है निशांत भट्ट। ऐसे में आपको बता दूं कि वहीं सेवन्थ पोजीशन पर आपको बता दूं कि निशांत भट्ट के बाद हैं मायशा, और मायशा के बाद ईशान, ईशान के बाद उन्होंने फाइनली
उमर को रखा है। हालांकि उमर को पहले उन दोनों से रैंकिंग दी जानी चाहिए थी। इसके बाद भी अफसाना खान है, अफसाना खान भी काफ़ी पीछे चली गई, उन्हें जो रैंकिंग दी गई थी वो काफ़ी पीछे की थी। अफसाना जबकि ज़्यादा एंटरटेनिंग है एज़ कम्पेरिजन टू मायशा और ईशान। तो यहाँ पर फुल टू हमें देखने को मिला कि वही उसके बाद विधि है, उसके बाद आकाशा है, उसके बाद सबसे लास्ट में सिम्बा है। तो यहाँ पर ये फुल टू ये जो रैंकिंग दी गई थी फरहा खान की तरफ से ये दी गई थी। ऐसे में इस बेसिस पर फरहा खान ने बताया कि किसकी कैसे गेम स्ट्रैटेजीज चल रहे हैं और कौन से पोजिशन पर कौन सा कंटेस्टेंट डिजर्व करता है। सो ये फुल टू काफ़ी एंटरटेनिंग रहा वीकेंड का वार। लेकिन फ़िलहाल आप ये बताइए कि फरहा खान ने जो रैंकिंग्स दी थी इन सभी तमाम कंटेस्टेंट्स को, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या नंबर वन पर करण कुंद्रा डिजर्व करते हैं और नंबर टू पर तेजस्वी प्रकाश? आपके अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए थी रैंकिंग? आप हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।